सो so, आज का हमारा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है लोड एक्ट्स ऑन बीम इट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन द बीम डिफॉर्मेशन इन द बीम तो जब भी बीम पे लोड एक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होती है और वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या काज करती है डिफॉर्मेशन काज करती है बीम सेक्शन में पॉइंट नंबर सेकंड है यहाँ पे बीम मटीरियल ऑफर रेजिस्टेंस और स्ट्रेसिस कैन बी कैलकुलेटेड विद एज्शन अब जो भी बीम मटेरियल रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन आर वी कैन से डेट की जो रेजिस्टेंस शो करता है रेजिस्टेंस आल्सो नोन एज स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस होता ही है रेजिस्टेंस कैन एज डिफॉर्मेशन तो दिस स्ट्रेसेस कैन बी कैलकुलेटेड विद अजम्शन नॉ द स्ट्रेसेस इंड्यूज बाय बेंडिंग मोमेंट आर नोन एज बैंडिंग स्ट्रेसिस एंड द स्ट्रेस इंडियोस्ड बाई शेयर फोर्स आर नोन एज शेयरिंग स्ट्रेसेस तो जो स्ट्रेसेज बैंडिंग मूवमेंट की वजह से काज होंगे बीम में उनको हम बैंडिंग स्ट्रेस कहेंगे और जो स्ट्रेसिस शेयर फोर्स के अकर होने की वजह से काज होंगे तो डट स्ट्रेसेस आर नोन शेयरिंग स्ट्रेसेस तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में सो so नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग हम किसको कहते हैं सो इट मीनस डेट द द्रेस इन द बीम आर सेटअप ओनली ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इट मीनस डेट शेयर फोर्स इज इक्वल टू देन द मोमेंट इज नोन एज प्योर बेंडिंग तो बीम सेक्शन में जब स्ट्रेसेस जो काज होंगे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से होंगे तो उसका मतलब है शेयर फोर्स वहां पे जीरो है तो देन द मोमेंट इज नोन एज प्योर बैंडिंग मोमेंट सो वी कैन से डिट कि प्योर बैंडिंग इज दट टाइप ऑफ बैंडिंग विच अकर्स ओनली ड्यू टू बाइंडिंग मोमेंट तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास जम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बैंडिंग मोमेंट दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस जम्पशन में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है ये इंपॉर्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब फर्स्ट एजम्पन क्या है प्योर बैंडिंग या सिंपल बैंडिंग की फर्स्ट इसमें यह है कि बी मटेरियल जो होना चाहिए वो होमोजीनस होना चाहिए और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए होमोजीनियस मींस इट शुड बी मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल एंड आइसोट्रॉपिक मींस इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की सेम होनी चाहिए सो यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन तो सिंपल बैंडिंग या प्योर बैंडिंग की थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास जो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो टेंशन में भी सेम रहती है और कंप्रेशन में भी सेम रहती है पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रांसफर सेक्शन रिमेज प्लान बिफोर एंड आफ्टर बैंडिंग जो भी ट्रांसफर सेक्शन हैं बिफोर एंड आफ्टर बैंडिंग वो सेम ही रहते हैं उनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आती है पॉइंट फोर्थ इज बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गुनल फिलामेंट्स बेंड इन टू सर्कुलर आर्क ऑफ कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर बीम जो है इनिशियली स्ट्रेट रहता है फिर उसके बाद जो लॉन्गिटूनल सेक्शन है बीम का वो बेंड होता है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है वो कॉमन रहता है लार्ज एज कम्पेयर टू अदर बीम सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काफी बड़ा एज कम्पेयर अगर हम लास्ट पॉइंट यहाँ पे यह कह रहा है कि ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपैंड एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर एबो आर बिलो इट तो बीम सेक्शन में हर लेयर जो है वो फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट है मतलब उनमें एक्सपेंशन भी काज हो सकती है और कंट्रक्शन भी काज हो सकती है इनडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबो आर बिलो इट अब जो सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस से अबो लाई करता है बीम का उसमें कंप्रेशन काज होती है उसकी वजह से जो लेयर्स उसमें लाई करेंगी उनमें कॉन्ट्रक्शन काज होगी और जो सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस से बिलो लाई करता है उस सेक्शन में टेंशन काज होती है तो उस सेक्शन में जो लेयर्स लाई करेंगी उनमें क्या होगी एक्सपेंशन काज होगी सो so नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस आर थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर वेर एम इज मोमेंट आई हो गया मोमेंट ऑफ नर्शिया सिग्मा हो गया स्ट्रेस वाई हो गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ई हो गया यंग वर्डर्स ऑफ फिलोसरी एंड आर हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ करविचर दिस थिरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोस्टिंग इट मीन को हम सिर्फ उन बीम्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनमें कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट अकर हुई होगी या हम उस सेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे बेंडिंग मूवेंट मैक्सिम होगी तो आपको पता की बैंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहा शेयर फोर्स का इफेक्ट जीरो होगा so सो नेक्स्ट तो हम इसमें डिस्कस करेंगे बाइंडिंग स्ट्रेस इन सिमिट्रिकल सेक्शन अगर हमारे पास सिमिट्रिकल सेक्शन होंगे जैसे रेक्टेगुलर सेक्शन हो गया सर्कुलर सेक्शन होगा उनके हम बाइंडिंग स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ सिमिट्रिकल सेक्शन एक्सिस जो होता है वो कहा लाई करता है डी बाई टू फॉर रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर सेक्शन के लिए डी बाई टू का मतलब हो गया कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन की डेफ्थ होगी उसकी उसके, उसके हाफ पे अगर हम देखेंगे न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी सेम स्क्वायर के केस में और सेम सर्कुलर सेक्शन के केस में अब जो भी सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस होंगे उनमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस काज होते हैं और जो भी सेक्शन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होंगे उनमें टेंजाइल स्ट्रेसेस काज होते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम वेयर बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम कहां हो सकती है जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी तो इस रिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं यहां से बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन मॉडोलेस के बारे में सेक्शन मॉडलेस मीस इट इज द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर टू द डिस्टेंस ऑफ द ओटर मोस्ट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इट इज डोटेड बाई जेड तो सेक्शन मॉडलेस के बराबर होता है जेड इज इक्वल टू आई अपन वाई मैक्स वेयर वाई मैक्स इज डिस्टेंस ऑफ दउटर मोट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस सो अगर हम यहां पे देखेंगे एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपन Y max. ये हमने इस रोलेशन से लिया एम अपान आई इज इकोल टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स अब हमें यहाँ पे क्योंकि वाई मैक्स की बात हो रही है इसलिए हमने सिग्मा को भी मैक्स कर दिया तो वाई मैक्स के केस में सिग्मा भी की वाली भी क्या आएगी मैक्स ही आएगी तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा मैक्स इंटू वन अपॉन वाई मैक्स अब यहाँ पे एम अपनी जगह रहेगा आई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे बच जाएगा हमारे पास अब आई अपॉन वाई मैक्स के बराबर हो जाएगा हमारे पास जेड के बराबर हो जाएगा तो सिग्मा मैक्स अपनी जगह रहेगा तो एम विल भी इक्वल टू तो अगर हमने यहां से मोमेंट को फाइंड आउट करना होगा तो यहां से हम मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन एम इज इक्वल टू सिंट जेड सो नेक्स्ट में पॉइंट आ जाता है हमारे पास मोमेंट ऑफ सेक्शन इज मैक्सिमम वैन जेड इज मैक्सिमम तो मोमेंट ऑफ सेक्शन मैक्सिमम होगा जब हमारे पास सेक्शन मॉडल क्या होगा मैक्सिमम होगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ सेक्शन एंड सेक्शन मॉडल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर उसके बाद जो है सेक्शन मॉडल रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन सेक्शन मॉडल जो है क्या रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन जितनी ज्यादा वैल्यू होगी सेक्शन मॉडल्स की उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन होगी तो जितनी कम वैल्यू होगी सेक्शन मॉडल्स की उतनी कम वैल्यू होगी स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन की सो so नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सेक्शन मॉडल्स फॉर वेरियस शेप्स अलग अलग शेप्स के लिए सेक्शन मॉडल्स की क्या वैल्यू आती है इन केस ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन Z इज इक्वल टू आई अपन अगर हम देखेंगे इट विलू बी स्क्र अपन सिक्स तो इन केस ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन सेक्शन मॉडल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बी डी स्क्वायर अपन सिक्स अगर हमारे पास सेक्शन जो होगा हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो इन डेट केस जेडल टू वन अपॉन सिक्स इंटू कैपिटल डी इंटू कैपिटल बी डे माइनस बी डी का क्यूब तो अगर हमारे पास सेक्शन जो होगा सर्कुलर होगा और हॉलो होगा तो उस केस में जेड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पाई वन थर्टी टू कैपिटल डी की पावर फोर माइनस स्मॉल डी की पावर फोर अगर हमारे पास सॉलिड सर्कुलर सेक्शन होगा तो उस केस में हम जेड को कैसे फाइंड आउट करेंगे जेड इज इक्वल टू पाई वन थर्टी टू डी का क्यूब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने यहां पे डिस्कस किए सो so, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अनसिमेट्रिकल सेक्शंस अब देखो सिमिट्रिकल सेक्शन केस में बेंडिंग बाइडिंग को हम इजिल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एम एमअपन आई इज्कल टू सिजल टू एपान आर लेकिन अगर हमारे पास सेक्शन जो अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में हम बेंडिंग स्ट्रेसिस को कैसे फाइंड आउट करेंगे अब न्यूट्रल एक्सिस पासिस थ्रो जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सेक्शन इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन तो सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो जनरली जियोमेट्रिकल सेंटर जो सेक्शन का होता है उससे पास होती है बट न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट पास थ्रू जियोमेट्रिकल सेंटर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन तो अनसिमेट्रिकल सेक्शन के केस में जो न्यूट्रल एक्सिस है वो जियोमेट्रिकल से, जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सेक्शन से पास नहीं होती है तो इस केस में हम क्या करेंगे कैसे बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ वाई विल नॉट बी सेम फॉर टॉप एंड बॉटम लेयर और इस केस में दूसरी प्रॉब्लम यह भी है कि जो वैल्यू ऑफ वाई होगी वो टॉप और बॉटम लेयर के लिए सेम नहीं होगी वो डिफरेंट होगी इन दैट केस फॉर बेंडिंग मोमेंट लार्जर वैल्यू ऑफ वाई इज यूज तो इस केस में अनसमिट्रिकल सेक्शन के केस में अगर हमने बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना होगा सो so जो लार्जर वैल्यू होगी वाई की उसको हमने यूज करना है बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए तो आप बेंडिंग मोमेंट को हम यहां पे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं जी द सेक्शन इज डिटरमाइंड एंड देन बेंडिंग स्ट्रेसेस तो फर्स्ट केस में हमने क्या करना है यहाँ पे सीजी ऑफ द सेक्शन जो है उसको डिटरमाइन करना है फिर उसके बाद हम बेंडिंग स्ट्रेसेस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ टू फाइंड सी जी वी नीड टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार अब सीजी को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स बार और वाई बार को फाइंड आउट करना पड़ेगा ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था अब हम एक्स बार को कैसे फाइंड आउट करते हैं ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अब देखो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया आई सेक्शन बनाया है इट इज सिमेट्रिकल अलांग वाई एक्सिस बट इट इज अनसिमेट्रिकल अलांग

जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए जो फॉर्मुला है वही हम यहां पे यूज करेंगे एम अपन आई इज इक्ल टू सिग्मा अपन वाई तो यहां से अगर हमने सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इट विल बी इक्वल टू एम अपन आई इन टू वाई तो इस रिलेशन में पुट करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं सो दिस वॉज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सेक्शन सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन अगर हमने स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन सिंपली मींस मोमेंट ऑफ रेजिटेंस ऑफर्ड बाई द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन हम किसको कहते हैं जो भी मोमेंट ऑफ रेजिटेंस सेक्शन ऑफर करता है डेट मोमेंट ऑफ रेजिटेंस इज नॉन एज स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया अब मोमेंट ऑफ सेक्शन किसी बराबर होती है तो मोमेंट इज इक्वल टू सिमा इंटू जेड सिग्मा इज स्ट्रेस एंड जेड इज सेक्शन मॉडल जो यहां से मोमेंट की वैल्यू निकलेगी डेट विल देंथ ऑफ द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन जनरली डिपेंड्स ऑन द सेक्शन मॉडल ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडल ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ तो जितनी ज्यादा सेक्शन मॉडल की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी अब सी बात है जेड की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ से मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो मोमेंट इंक्रीज होगी तो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इंक्रीज होगी स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडल एंड स्ट्रेस विल बी मोर तो स्ट्रेस एंड सेक्शन मॉडल आर इवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर हमारे पास सेक्शन मॉडल्स की वैल्यू कम होगी स्ट्रेस ज्यादा होगा अगर हमारे पास सेक्शन मॉडल की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्ट्रेस कम होगा उसके बाद है बाई इंक्रीजिंग द एरिया सेक्शन मॉडल जो होगा डिक्रीज होगा और स्ट्रेस क्या होगा इंक्रीज होगा उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट बीम क्या होता है कंपोजिट बीम्स आर आल्सो नोन एज फ्लिस्ड बीम्स तो कंपोजिट बीम्स हम उनको कहते हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल्स के बने हुए होंगे तो उनको हम कंपोजिट बीम्स कहेंगे दे आर आल्सो नोन एज बीम्स अब इनमें क्या होता है स्ट्रेन एट कॉमन सर्विस विल बी मोर फॉर बोथ द मटीरियल तो जो स्ट्रेन होगा कॉमन सर्फेस पे वो दोनों मटेरियल्स के लिए सेम होगा अब हम स्ट्रेन को यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करते हैं सिग्मा वन अपन ई वन इकल टू सिग्मा टू अपन ई टू वेर है ई वन और ए टू हमारे पास क्या है यंग मॉडल और सिग्मा वन और सिग्मा टू हमारे पास क्या है यहाँ पे स्ट्रेसेस है अगर हमने यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम समिविजल सेक्शन एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू अब एम हमारे पास किसके बराबर आएगा सिग्मा वन अपन वाई इन आई वन तो एम टू हो गया हमारे पास यहाँ पे सिग्मा टू अपन वाई इंटू आई अब देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये हमारे पास रिलेशन है M I sigma y. अगर हमने यहां से एम को निकालना होगा तो अब इसी बात है सिग्मा इन आई अपान वाई हो जाएगा तो यहाँ पे एम वन के लिए सिग्मा वन आएगा और एम टू के लिए सिग्मा टू आएगा तो देयरफॉर टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन वाई एम आई वन प्लस आई टू अब यहाँ पे जो है इसको मैंने स्मॉल एम आई वन प्लस आई टू कैसे लिखा क्योंकि रेशो ऑफ ई वन अपॉन ई टू एंड दिस एम इज नोन एज मॉड्यर रेशो तो यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते हैं सिग्मा वन की जगह ये ये वैल्यू पुट करके हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा सिग्मा टू अपॉन वाई इंटू स्मॉल एम इंटू आई वन प्लस आई टू इन केस ऑफ वुड दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारे पास जो बीम सेक्शन है वो वुड का बना हुआ होगा तो इस केस में हम करते हैं स्मॉल एम इंटू आई वन प्लस आई टू को सिंपल आई कंसिडर करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो टोटल मोमेंट आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी एम इज इक्वल टू सिगम टू अपन वाई इंटू आई सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे है द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बीम सेक्शन डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द लेयर विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी लेंथ ऑफ बीम सेक्शन में वो जनरली किस पे डिपेंड करती है पोजिशन ऑफ लेयर विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस अब देखो हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस के टॉप वाला पोर्शन है वो कंप्रेशन जोन है और बॉटम पोर्शन हमारे पास क्या है टेंशन जोन है तो कंप्रेशन जोन में जो लेयर्स आएंगी उनमें कंप्रेशन आकर होगी मतलब डिक्रीज इन लेंथ होगी उनमें और जो टेंशन जोन में जो लेयर्स आएंगी बीम सेक्शन की उनमें क्या टेंशन कॉज होगी मतलब इंक्रीज इन लेंथ होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग कहते हैं और सिंपली वी कैन बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम पॉइंट नंबर सेकंड नंबर पास यहाँ पे आता है स्ट्रेन एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन एनी लेयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द तो जो भी स्ट्रेन और बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं इन एनी लेयर वो किसी बराबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रेस फ्राम द न्यूट्रक्सेस पॉइंट नंबर थर्ड इसमें बैंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रेलेक्स आर जीरो तो कॉमन सी बात है कि बाइंडिंग स्ट्रेसेस जो है न्यूट्रेलिस होते हैं जीरो होते हैं न्यूट्रे एक्सज भी आपको हर चीज जीरो मिलेगी चाहे वो क्प्रेसिव स्ट्रेस है चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस है चाहे वो बैंडिंग स्ट्रेस है एट न्यूट्रेल एक्सिस एवरी इज जीरो इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रेल एक्सिस सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट थीरी ऑफ सिंपल बैंडिंगर सिंपली वी कैनसेड एट बैंडिस इन बेम्स आई होप कि आपको यहां तक मैंने सारी चीजें क्लियर करवा दी अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो so, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो थैंक यू सो मच एंड कीटिंग में